हे गाइस, वेलकम टू अवर ऑन टेक्नोलॉजी चैनल। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जीरोधा के अंदर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो और आपको जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप जीरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कर पाओगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा वहां पे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जाके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लो। फिर उसके बाद गाइस आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, ये भी एक डॉक्यूमेंट का पार्ट ही समझ लो। फिर गाइस आपको एक जीमेल आईडी डालनी है जो आपके फ़ोन के अंदर होनी ज़रूरी है, जो ऑफिशियल आपकी जीमेल आईडी हो ध्यान से डालना आप। और मेन डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आता है पैन कार्ड। आपको पैन कार्ड डालना होता है स्कैन करके और साथ ही पैन कार्ड नंबर भी डालना होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कई लोगों के पैन कार्ड बने नहीं है, तो भाई क्यों नहीं बनाए, जाके जल्दी से पैन कार्ड बनवाओ और जल्दी से कोई शेयर वेयर खरीदो और पैसे कमाओ। तो गाइस पहला डॉक्यूमेंट तो हो गया पैन कार्ड। विदाउट पैन कार्ड आप डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ये मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया, वो भी काफ़ी मेन है, आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आप सभी के पास होगा, लेकिन सबकी दिक्कत क्या होती है गाइस कि आधार कार्ड के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर होता है जो आप डेली यूज़ करते हो, वही सेम नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। क्योंकि आप वेरिफिकेशन करोगे डीमेट अकाउंट खोलते वक्त, तो आपका मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, तो उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना पड़ता है। तो अगर ये इनकम्प्लीट है तो जाके आधार सेंटर पे जाके आपका मोबाइल नंबर लिंक करवा लो, ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। दो डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसके बिना आप नहीं कर सकते, वो है फर्स्ट पैन कार्ड और आधार कार्ड। और मैन्युअली आपको फोटो क्लिक करके उसको अपलोड भी करना पड़ता है। जब तक आप ये प्रोसेस करोगे नहीं तो डीमेट अकाउंट ओपन होगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। फिर आपका एक और डॉक्यूमेंट ही समझ लो, वो आता है बैंक आईडी, मतलब बैंक डिटेल्स। और सेम जैसा कि मैंने बताया कि बैंक में भी वही नंबर होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड में लिंक है, बेटर रहेगा। नहीं है तो भी 19-20 हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन ओटीपी आता है तो सेम हो तो अच्छी बात है। और आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पासबुक होता है तो उसमें भी स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, मतलब पासबुक का आपको फोटो डालना पड़ेगा जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। फिर लास्ट ऑप्शन आएगा आपका एड्रेस वगैरह और आपके मतलब फादर डिटेल्स जो होती है, बायोग्राफी जो भी है, वो आपको सब कुछ डालना पड़ेगा। फिर आपको आपके सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो सिग्नेचर करना तो आपको आता होगा, अगर आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको, जैसे आप कोई आईडी क्रिएट करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो भी है, तो उसमें आपको जैसे पिन सेट करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, वैसा ही प्रोसेस होगा। और आपका डीमेट अकाउंट जो है 24 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा और आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट के अंदर। और डीमेट अकाउंट क्या क्या काम आता है ये तो आपको पता ही होगा। डीमेट अकाउंट मतलब जब आप पैसा ऐड करते हो तो वो डीमेट अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है, जब आप विड्रॉ करते हो मतलब इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो करते हो प्रॉफिट होता है, वो भी डीमेट अकाउंट के अंदर ही आता है। तो डीमेट अकाउंट ये काम करता है, काफ़ी ज़रूरी होता है, विदाउट डीमेट अकाउंट आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तो आपका डीमेट अकाउंट नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। आप 18 साल के ऊपर के ही हो तो ही आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और किसी एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके डीमेट अकाउंट ओपन करने के अंदर। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।